पूरे कोरोना काल के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की देश भर में फैली प्रयोगशालाओं ने विभिन्न त्वरित समाधान विकसित कर राष्ट्र को मजबूत किया है। मौजूदा संकट ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सामने आया है। अनुमान के मुताबिक कोरोना से संक्रमित लगभग 3 लाख मरीजों को रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए भी CSIR के कई संस्थान आगे आए हैं। इसी कड़ी में दुर्गापुर स्थित CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ऑक्सीजन संवर्धन इकाई का हाल ही में अनावरण किया गया। संस्थान ने देश को स्वदेशी समाधान जल्द उपलब्ध कराने के लिए कई उद्योगों के साथ इस इकाई का व्यावसायिक उत्पादन करने के समझौते भी किए हैं। ये सुविधा हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी में मदद करेगी, जो कि COVID-19 रोगियों के उपचार और प्रबंधन में एक बेहतर विधि साबित हुई है। अगर हम 95% की बात करें, जो ऑक्सीजन सिलेंडर आजकल देते हैं और 99% तक ऑक्सीजन देते हैं, उनकी बात करें और उस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो जो 3 लाख पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और अकेले ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनसे हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और स्ट्रेटजीज देखनी पड़ेंगी, हमें लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट यूनिट बनाया, जो लोकली अवेलेबल कंप्रेसर्स, न्यूमेटिक फिटिंग और जो विजियोलाइट रिसीव कहते हैं, वो से बनता है। ये लोकल MSMEs बना सकते हैं। CSIR, CMERI की ये स्वदेशी ऑक्सीजन संवर्धन इकाई प्रेशर स्विंग, एड्सॉर्प्शन और जियोलाइट कॉलम के सिद्धांत पर काम करती है और आसपास की हवा से ऑक्सीजन जमा कर उसमें से नाइट्रोजन को हटाती है और शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। ये ऑक्सीजन मास्क या नाक में लगाए जाने वाले कैनुला के जरिए रोगियों को दी जाती है। अब तक के परीक्षण के अनुसार इस उपकरण से 90% से ज्यादा शुद्धता के साथ 15 से 30 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन संवर्धित की जा सकती है। लागत प्रभावी और छोटा उपकरण होने के चलते इस यूनिट को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उन मरीजों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये ओनली ऑक्सीजन से ही सबका शायद भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कोविड होता है तो लंग्स में थोड़ा सा श्रिंकेज होता है और जो उनके एयरवेज होते हैं वो थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं। उस केस में हमें एक बाईपैप की ज़रूरत होती है, प्रेशराइज एयर डालना होता है लंग्स में। उससे क्या होता है, रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है और ऑक्सीजन की भी बचत हो जाती है। तो हम उस डिवाइस को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाईपैप के साथ ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट। हमें होप है, हमें आशा है, उसका भी इंटीग्रेशन बहुत जल्दी हम लॉन्च कर पाएंगे। इससे हम कोविड के अगेंस्ट में जीत पाएंगे और सबका भला हो पाएगा। इसी तरह CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने भी एक होलो फाइबर मेम्ब्रेन आधारित ऑक्सीजन संवर्धन उपकरण विकसित किया है, जो आकार में CMERI के उपकरण से बड़ा है। कोविड के अलावा भी जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है और श्वास संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, ऐसी प्रौद्योगिकियां स्वास्थ्य सेवाओं को प्रबल बनाने में मदद कर सकती हैं। CMERI की ऑक्सीजन संवर्धन इकाई 14,000 फीट की ऊंचाई तक काम कर सकती है, इसलिए उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रक्षा बलों के लिए भी ये उपयोगी साबित हो सकती है।